सो हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, संडे का दिन है और सारा काम हो चुका है यहाँ पे। और मतलब जो पूजा पाठ थी मेरी हो गई है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया। आज है संडे, इस वजह से तो वो सारा काम आज मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पहन ली ही हैं चूड़ियाँ, पहनने जा रही हूँ। तो संडे को हमारे यहाँ पे ना चूड़ियाँ शुभ मानते हैं पहनना, तो संडे को ही चूड़ियाँ पहनते हैं। जो भी न्यू चीज़ आती है जैसे कि सुहाग वाली, वो संडे को ही पहनी जाती है। तो जैसे चूड़ी हो गई और महावर लगाना हो गया, तो ये संडे को अच्छा लगता है। और मतलब सब लोग बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये चूड़ियाँ मेरे हस्बैंड जी के पसंद की हैं, तो बताना ज़रूर कैसी लग रही हैं, उनकी चॉइस कैसी है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बताइएगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय भोलेनाथ की, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एस्टीम श्रफ खान लोग सबका ढेर सारा तहे दिल से वेलकम है। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, सारा काम हो गया। आज मैंने झाड़ू पोछा मॉर्निंग में ही कर लिया था, क्योंकि आज किसी को कहीं नहीं जाना था, सबकी छुट्टियाँ थी, छुट्टियाँ नहीं छुट्टी थी, है ना, संडे की वजह से। और मेरा बैकग्राउंड है वो झोलों की वजह से थोड़ा सा बेकार हो गया है ना। वैसे तो अच्छा आ रहा है, बट झोलों की वजह से, क्योंकि फ्रेंड्स एक झोले में सब्जी आती है, एक झोले में खाना जाता है, एक झोले में दूध आता है, तो सारे झोले मतलब इसमें टंगे हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मैं इनको हटा दूंगी यहाँ से, ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा आए। वैसे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है पीछे से। और कभी मैं आपको अपने प्लांट वगैरह दिखाऊंगी, ठीक है, किसी वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत मतलब बहुत अच्छे, क्या ये तो फ्लावर है जो गुच्छे वाला लगता है, इसमें दो दो गुच्छे वाले फूल लगे थे, इसके बाद वो अभी फूल हुए ही नहीं है, बस पत्ती 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 हो रही है। मेरे ससुर जी बोल रहे थे ये अमरूद का पेड़ घर पे लगा लिया क्या, मतलब बिल्कुल अमरूद की तरीके पत्तियां होती हैं इसकी। और फ्रेंड्स, वीडियो कर दिया स्टार्ट। और मेरे यहाँ पे मतलब जैसे कि आज संडे है, तो आज मैंने हेयर वॉश किए थे, चोटी भी कर ली है, अपनी मांग भी भर ली है सिंदूर से। तो संडे संडे मैं पूरी मांग भरती हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा लगाती रहती हूँ। फिर इसके बाद मतलब आज जैसे पूरी भर ली, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। और आज ही पहनी है मैंने हरी हरी चूड़ियाँ। मैं नहीं जा पाई थी मार्केट, बट ये लेके आए। लेकिन देखो आप लोग चॉइस बताना इनकी कैसी है, ठीक है ना, यही लेके आए थे, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती फ्रेंड्स। मेरा पता है मन भी नहीं करता है कहीं आने जाने का, इतना मतलब इच्छा नहीं करती है, इतनी थकान थकान लगती है, जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो गई सच्ची में, पता नहीं क्या होता जा रहा है दिन पे दिन। और कमजोरी सी आती जाती है, आती जा रही है धीरे धीरे। और चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली हैं। और क्या, अभी आज आएंगे मेरे भाई साहब मेरा भाई आएगा आज पूए देने, तो फटाफट से मैं बनाऊंगी खाना उसके लिए। तो क्या बनाऊंगी आज मैं आपको शेयर नहीं करूंगी, ठीक है, आज शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो बस जो भी बनाऊंगी थाली जरूर पक्का शेयर करूंगी मैं, है ना। और पापा जी भी आने वाले होंगे, तो उनके लिए चाय नाश्ता और खाना भी उनके फटाफट चाहिए। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो को एंड तक, वीडियो पे एंड तक बने रहना, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ आज मंगौड़े। तो मेरे जो पापा जी हैं यानी ससुर जी, उनको मंगौड़े, पकौड़े, कचौड़ी और आलू का पराठा हो गया, बहुत ही ज़्यादा उनका फेवरेट है ये सारा। तो उनको मतलब ये चीज़ें पसंद है। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको इन चीज़ों से एलर्जी है, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन हमें इनके लिए, पापा जी के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। उनको जो अच्छा लगता है मैं वही बनाती हूँ, उनके मतलब उन्हें अच्छा लगना चाहिए कुल मिला के, उन्हें ये ना लगे कि मतलब मम्मी नहीं है तो ऐसा नहीं बनता वैसा नहीं बनता। तो हम लोग को जो पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं उनकी पसंद की हर चीज़ बनाना चाहूँगी और बनाती हूँ। और कोशिश यही रहती है कि फ्रेंड शिकायत का मौका उनको मैं देना ना चाहूँ, है ना। सो फ्रेंड, चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मेरा भाई था, वो आ गया था, और मैं आपको दिखाती हूँ और क्या आया है। मैंने बिल्कुल सबर नहीं किया, जैसे ही आया वैसे ही मैं खोलने पोलने लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे श्रृंगार का सामान था, और मैंने अपनी दीदियों को श्रृंगार का सामान नहीं दिया था, मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स सच्ची में कि दिया जाता है, लेकिन मैं अब की बार से पूरा ध्यान रखा करूँगी कि क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हरी हरी चूड़ियाँ थी, ये हरी चूड़ियाँ आई थी, तो कैसी लग रही है बताना। मैं पूरा श्रृंगार नहीं दिखाऊंगी, वही है जो होता है श्रृंगार में, महावर, आलता, यही सब कुछ है, बिंदी, लिपस्टिक, नाखूनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये थी साड़ी, तो साड़ी का कलर कुछ इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा, वैसे हल्का रेड रेड है, तो कैसा लग रहा है आपको, रेड कलर की है, सो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी लग रही है मुझे। सो फ्रेंड्स ये वाली साड़ी थी, और
जो आते हैं हर किसी के यहाँ पे आते हैं अक्सर, यहाँ पे मेरे मोहल्ले में तो हर किसी के घर पे आए हैं पुए। और किस किस के यहाँ पे मतलब आते हैं पुए तो बताना ज़रूर मुझे। और जो ये मतलब पुए वाली टोकरी है फ्रेंड्स, जिसमें पुआ बंद के आए हैं, तो ये साड़ियाँ बहुत पहले पुराने चलती थी, है ना। पुराने ज़माने में मैं जब छोटी थी तब मेरी मम्मी वगैरह पहना करती थी, तो मुझे अच्छे से याद है। और यहाँ पे देखो आप लोग, ये पूड़ियाँ हैं। और मोहल्ले में मुझे मतलब यहाँ मोहल्ले में बंटवानी है, अपने गांव के मोहल्ले में बंटवानी है, वहाँ भी भिजवा दूँगी। जिस वहाँ पे भी मतलब काफ़ी लोगों के घर से आई थी तो वहाँ भी देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये पुए हैं, पूड़ियाँ हैं, तो बस इतना ही आता है। मतलब देने के हिसाब से आप कुछ भी दे दो, वे तो मतलब दान पुण्य के हिसाब से होता है ना। तो दान पुण्य जितना कर लो वही अच्छा है, हमारा साथ में कुछ नहीं जाएगा। हमारे मतलब जो हमने कर्म किए हैं, जो दान पुण्य किया है, वही हमारे साथ में जाएगा, बाकी कुछ कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स। तो आइंदा से मैं भी याद रखूंगी जो भी जाता होगा। सुबह इसके बाद ना मैंने खाना बना लिया था, खाने का कुछ भी मैंने सूट नहीं किया था, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी होता है आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पे मतलब टाइम का पता नहीं चलता, इतना छोटा छोटा मुझे तो दिन लगने लगा है, पूछे ही मत। तो यहाँ पे मटर पनीर थी, खीरे का रायता था, चावल थे, सलाद था, और थाली में कमी है वो है रोटी की, तो वो भी पूरी हो गई है। सो फ्रेंड मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब कोई भी आए, ऐसा नहीं है कि मतलब मायके से आए हैं तो ही मैंने बनाया। आप लोग तो देखते हो मेरे मतलब अक्सर मेरा खाना है वो ठीक ठाक कैसा बनता है आप लोग बताना, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी कैसा बनता है, आप लोग से बताइएगा। सो फ्रेंड बस यही है कि थाली मेरी लग गई, और तो जो पनीर है मेरा वो थोड़ा सा पतला बना है, चावल की वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब रसेदार बनाया था। सो फ्रेंड्स खाना पीना खाने के बाद भाई है वो मेरा जाने लगा है घर वापस, देखो आप लोग। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ मतलब बालकनी में, तो यहाँ पे कपड़े फैले हैं, जो रेलिंग है उसी में मैं फैला देती हूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो अभी मैं इनको उतार दूंगी। तो सूख गए हैं और बादल है आप लोग देख सकते हो। और टाइम यहाँ पे 1:30 बजा था, 1:30 पौने 2 का टाइम था, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं है, मौसम वैसा है बादल बादल वैसा। और चाचा का लड़का था, भाई था, देखो दोनों चले गए हैं, और कपड़े हमारे सारे फैले हैं, अब मैं इनको उठा लूँगी। इसके बाद ना फ्रेंड भाई मेरा था वो चला गया था, और यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैंने उठा लिए थे, और इनको हमें करना है फोल्ड। तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ कपड़ों को, और हैप्पी देखो कैमरे, हैप्पी को पता अगर चल जाए कि कैमरा स्टार्ट है तो हैप्पी वहीं पे डोलती रहेंगी कि मुझे आना है आना है आना है। देखो मेरी हेल्प करवा रही हैं। और आज मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था मेरा संडे संडे का मतलब एक रूटीन हो गया है कि मुझे जो पिलो कवर है और ये बेड शीट है, चद्दर वगैरह हैं, मुझे वॉश करने हैं, तो करने हैं। हैप्पी की ड्रेस भी थी, तो बस अब मुझे इनमें शाम को मैं प्रेस करूँगी। अभी तो मुझे टाइम नहीं, मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ फ्रेंड, थोड़ा सा करूँगी रेस्ट इसके बाद, थोड़ा एक से आधा घंटा मतलब आधा एक घंटा मिल जाए रेस्ट करने को, इतना ही बहुत है, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है, नहीं तो सारा दिन लगे 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 निकल जाता है। तो यहाँ पे जो चद्दर वगैरह हैं वो मैंने डाल दिए, हैप्पी देखो अपना हैप्पी यूनिफॉर्म वगैरह अपना वो कर रही हैं फोल्ड। तो यहाँ पे मैं ना बैठ बैठ के मतलब ये चादर वगैरह नहीं फोल्ड कर पा रही थी, क्योंकि बड़े होते हैं तो मुझे खड़ा ही होना पड़ा। छोटे छोटे कपड़े तो कर लिए थे बट बड़े नहीं हुए थे हमसे। और फ्रेंड्स वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, ठीक है। तो वीडियो प्लीज़ 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 अगर किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।